हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14, ठीक है, ऑर्थो का मेश्वरी बुक से पढ़ेंगे, इंजरीज अराउंड द एल्बो। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो देखते हैं अपन और उसी को पढ़ना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आते हैं नीचे टेबल्स में आ जाएंगे हम, और ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेबल पूछता है कि अराउंड द एल्बो में और उसके मैकेनिज्म में कौन से इंजरीज होता है, ठीक है, तो आपको याद होने चाहिए। पहला इंजरी क्या है आपका, वेलगस इंजरी, ठीक है। वेलगस इंजरी देखो, पहला होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या है, वेलगस इंजरी, वेरस इंजरी, हाइपर एक्सटेंशन इंजरी और एक्सियल फोर्स, ठीक है। देखो वेलगस हो गया, वेरस हो गया, हाइपर एक्सटेंशन हो गया और आपका एक्सियल फोर्स हो गया। अब देखो वेलगस इंजरी में क्या होता है कि आपका जो रेडियस का हेड है वहाँ पर फ्रैक्चर होगा, ठीक है, नेक ऑफ रेडियस पर फ्रैक्चर होगा, और आपका मिडिल एपिकोर्नल ऑफ द ह्यूमरस में आपका अवर्जन फ्रैक्चर होगा, और ये हो गया, ठीक है। वेलगस, वेलगस को याद रखना है कि रेडियल में, रेडियस में हो रहा है और एक ह्यूमन में हो रहा है बस, ठीक है। रेडियस के आपके हेड में हो रहा है और रेडियस के नेक में हो रहा है, ठीक है, फ्रैक्चर रेडियस के हेड में हो रहा है और रेडियस के नेक में हो रहा है। और तीसरा क्या है कि आपके ह्यूमरस के मिडिल एपिकोर्नल में हो रहा है, ठीक है, ये आपका आ गया वेलगस, ठीक है। अब आते हैं वेरस, इस पे क्या हो रहा है, देखो वेलगस जो था वो मीडियल एपिकोंडाइल में हो रहा था और वेरस जो है वो लैटर एपिकोंडाइल में हो रहा है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो आपको ऐसा रखेंगे अपन, वेलगस, वेलगस तो वी है तो सेम है, एक पे जी आ रहा है, ठीक है, और ये आपका वेरस, ठीक है, इसमें आपका आर आ रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना कि देखो कैसे अपन ट्रिक बनाए कि वो याद रहे कि वेलगस जो है वो मीडियल में, मिडिल एपिकोंडाइल में होगा और वेरस जो है वो लैटर एपिकोंडाइल में होगा, ठीक है। तो हम कैसे इसको बना सकते हैं, बना तो सकते हैं कि नहीं बना सकते, पर याद कर लेते हैं कि लैटर कोंडाइल ऑफ ह्यूमरस में आपका वेरस होता है और वेलगस जो है आपका मिडिल होता है। याद करना वेलगस, ठीक है, जी से एम, ठीक है, जी से एम आएगा और जी से एम और आर से एल, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। और हाइपर एक्सटेंशन ऑफ इंजरी कहाँ होगा, सुप्रा कोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस के सुप्रा कोंडाइलर फ्रैक्चर में होगा ये हाइपर एक्सटेंशन इंजरी। और एक्सियल फोर्स कहाँ होगा, फ्रैक्चर ऑफ द कैपिटुलम या डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो, ठीक है, या एल्बो का डिसलोकेशन हो गया है या फिर कैपिटुलम जो है उसका फ्रैक्चर हो गया। आप कैमरे वाला याद मत करो, आप सिर्फ एल्बो का याद करो कि डिसलोकेशन हो गया एल्बो का। तो चार पढ़े अपन, वेलगस इंजरी, वेरस इंजरी, हाइपर एक्सटेंशन और एक एक्सियल फ्रैक्चर, ठीक है, एक्सियल फोर्स के कारण इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो आपका वेलगस जी से आपको याद रखना, ठीक है, वेलगस है तो आपका आ जाएगा रेडियस, रेडियस का हेड और आपका रेडियस का आपका नेक, ठीक है, लास्ट में आपका मीडियल एपिकोर्नल ऑफ ह्यूमरस और आर से एल, वायरस का आपका आ जाएगा लैटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। आपका हाइपर एक्सटेंशन में क्या आ जाएगा, आपका सुप्रा कोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, क्योंकि मेन टॉपिक है हमारा, ठीक है, चैप्टर का। और लास्ट में एक्सियल फोर्स में क्या आएगा आपका कि डिसलोकेशन हो गया एल्बो का। अब मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या है कि आप एल्बो के डायरेक्ट उसमें आप गिर गए हो, कुछ एक हाइट से फॉल हो गया आपका एल्बो में, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, एल्बो में क्या रहता है, एक होता है ऑलिकुलर फ्रैक्चर होता है, एक इंट्राकोंडाइलर फ्रैक्चर होता है ह्यूमरस का। तो यहाँ पे दो फ्रैक्चर होगा, ठीक है, एक ऑलिगोन प्रोसेस जो होता है उसका फ्रैक्चर हो सकता है या फिर आपका जो ह्यूमरस का इंटरकोंडाइलर है वो फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। आपको मेन ये नाम याद रखना है, आपको इसमें आप कुछ भी लिखोगे, ह्यूमरस का कुछ भी लिख लिया ना तो आपको उत्तर एग्जामिनर चेक नहीं करने वाला, ठीक है, थ्योरी में। और अपन आते हैं आज का मेन जो टॉपिक है वो है सुप्रा कोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्या होता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, इसमें ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे इसमें ही आते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस फ्रैक्चर इन चाइल्डहुड एज इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद द कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, ये इस चाइल्डहुड में मेनली ये सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस होता है। कैसे होता है, द फ्रैक्चर इज कॉज्ड बाय फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, ठीक है, अगर आपका जो हैंड है वो आउटस्ट्रेच्ड है और उस पर आप गिर जा रहे हो तो आपका क्या बोलते हैं, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर होगा, ठीक है। As the hand strike on the ground, the elbow is forced into hyper extension, ठीक है, जैसे कि आपका जो elbow है ये देखो, ये रहा extension type है, ये flexion type है, ठीक है, supracondylar fracture का। तो आपको जो elbow है वो अगर आप hand की वैसे गिर रहे हो, ऐसे hand में गिर रहे हो, आप खुद imagine करके देखो, अब ऐसे hand में गिर रहे हो तो आपको जो elbow वाला है वो एकदम extend हो जाएगा,
ठीक है, ऐसे एक्सटेंड हाइपर एल्बो इज फोर्स्ड इनटू हाइपर एक्सटेंशन रिजल्टिंग इन फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस अबव द कॉन्डाइल, ठीक है, कॉन्डाइल के ऊपर आपका फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है, कॉन्डाइल समझ रहे हो, लैटर कॉन्डाइल और आपका मिडल कॉन्डाइल जो था ना पढ़े थे अपन, उसके ऊपर फ्रैक्चर होगा, इसलिए नाम है इसका सुप्रा कॉन्डाइल, कॉन्डाइल के ऊपर, ठीक है। तो इस पर याद रखना मैकेनिज्म कैसा है कि आप हाइट से गिरे हो, आपका हैंड के उस पर गिरे हो फोर्स में, तो हैंड के फोर्स आउटस्ट्रेच होने के कारण आपका जो एल्बो है वो हाइपर एक्सटेंशन हो गया, एकदम हाइपर एक्सटेंशन हो गया है, ठीक है, एकदम ज़्यादा टाइट हो गया है। जैसे कि ये हैंड है आपका, ये हैंड है ना, ये हैंड है छोटे टाइगर तो ख़राब है, तो अब हैंड के बल गिरे हो, तो यहाँ पे ऐसे आपका ये हैंड है फोरआर्म है ये, और यहाँ पे आपका यहाँ जॉइंट है और यहाँ पे आपका आर्म है, तो ये जो है ना आपका एकदम स्ट्रेट हो गया है, एकदम स्ट्रेट हो गया, इमेजिन करोगे एकदम स्ट्रेट, एकदम हाइपर एक्सटेंशन हो गया है, ठीक है, हैंड के कारण गिरने के कारण, जिसके कारण जो आप यहाँ पे एपिकोंडाइल है, मिडिल एपिकोंडाइल, लेटर एपिकोंडाइल, उसके ऊपर में ये होता है फ्रैक्चर, ठीक है, सुपरकोंडाइल फ्रैक्चर। द फ्रैक्चर लाइन एक्सटेंड ट्रांसवर्सली थ्रू द डिस्टल मेटाफाइसिस ऑफ ह्यूमरस जस्ट अबव द कॉन्डाइल। ये क्या बोल रहा है कि जो फ्रैक्चर लाइन है वो क्या होगा, वो एक्सटेंड करेगा ट्रांसवर्सली, ठीक है, जो फ्रैक्चर लाइन है वो एक्सटेंड करेगा ट्रांसवर्स थ्रू द डिस्टल मेटाफाइसिस ऑफ ह्यूमरस जस्ट अबव द कॉन्डाइल, ठीक है, कुछ नहीं है, सीधा रखना कि कॉन्डाइल के ऊपर जो है वहाँ फ्रैक्चर लाइन होता है, ठीक है, डिस्टल मेटाफाइसिस में वो होता है, ठीक है। अब टाइप्स देखते हैं, इसे कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप के होंगे, टाइगर्स पर चल रहा है, एक होता है एक्सटेंशन टाइप, एक होता है फ्लेक्शन टाइप, ठीक है। सुपर कॉन्डाइल फ्रैक्चर मे बी ऑफ एक्सटेंशन और फ्लेक्शन टाइप डिपेंडिंग अपॉन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टल फ्रैगमेंट, ठीक है, डिपेंड करता है कि जो डिस्टल फ्रैगमेंट है वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, उसके बाद बताएंगे हम कि वो एक्सटेंशन हुआ है कि फ्लेक्शन हुआ है, ठीक है। द एक्सटेंशन टाइप इज द कॉमनर ऑफ द टू, इन दिस द डिस्टल फ्रैगमेंट इज एक्सटेंडेड, जो डिस्टल फ्रैगमेंट है वो एक्सटेंडेड हुआ है, ये वाला जो डिस्टल फ्रैगमेंट है इसका बोल रहा है, ये बोल रहा है ये एक्सटेंड हुआ है और ये जो है आपका फ्लेक्स हुआ है, ठीक है। जो डिस्टल फ्रैगमेंट है जो टूटा है वो एक्सटेंड हुआ है, और आपका जो 20% जो फ्लेक्शन है उसमें आपका फ्लेक्स फ्लेक्शन होता है उसमें, ठीक है। तो कॉमन क्या है, एक्सटेंशन कॉमन है इसका इन रिलेशन टू प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट, इसमें क्या होता है जो डिस्टल फ्रैगमेंट है वो आपका एक्सटेंड किया है एज कम्पेयर टू आपके प्रॉक्सिमल में। इन द फ्लेक्शन, फ्लेक्शन में क्या होगा, जो डिस्टल फ्रैगमेंट है वो फ्लेक्स्ड होगा इन रिलेशन टू प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट, मेरे कैसे ऐसा बोल रहा है, ये डिस्टल फ्रैगमेंट है और ये आपका प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट है, तो इस पर क्या हो रहा है, प्रॉक्सिमल इस साइड आया ना और डिस्टल जो इस साइड आया है, इसलिए ये एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है। और इस पर क्या हुआ है, जो प्रॉक्सिमल है वो इस साइड आया है और डिस्टल जो है वो इस साइड आया है, तो हम पता है कि बॉडी के पास आ रहा है मतलब वो फ्लेक्शन है, और बॉडी के दूर जा रहा है मतलब एक्सटेंशन है, तो इस साइड आ रहा है मतलब वो अब बॉडी के पास आ रहा है, तो इसलिए ये फ्लेक्शन हो रहा है और ये एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। और इस पर ये इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, लेकिन इसमें डिस्टल को देखेंगे अपन, डिस्टल इसमें एक्सटेंड हुआ है और इसमें डिस्टल इसमें फ्लेक्शन हुआ है, ठीक है। हम हमेशा कंपेयर डिस्टल को करेंगे प्रॉक्सिमल से, प्रॉक्सिमल सोचना डिस्टल सोचना, आपका अपने आप प्रॉक्सिमल याद आ जाएगा। सब्सिक्वेंट टेस्ट इज लिमिटेड टू कॉमनर, हटाओ ये हटाओ, ठीक है, हम दो पढ़ लिए, एक्सटेंशन टाइप और फ्लेक्शन टाइप। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट, कॉमनली अ सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर इज डिस्प्लेस्ड, ठीक है, मेनली क्या होता है जो सुप्राकोंडाइलर कॉन्डाइलर है फ्रैक्चर वो डिस्प्लेस हो जाता है। 14.5 देखेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसमें क्या होता है, द डिस्टल फ्रैगमेंट मे बी डिस्प्लेस्ड इन द फॉलोइंग डायरेक्शन। अब वो डिस्टल फ्रैगमेंट है वो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो सकता है, पहला क्या है पोस्टीरियर, ठीक है, पीछे की तरफ, और आपका एक पोस्टीरियर की तरफ या फिर बैकवर्ड शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, डिस्टल फ्रैगमेंट का एक पोस्टीरियर और बैकवर्ड टिल्ट हो सकता है, एक शिफ्ट होगा, एक टिल्ट होगा, प्रॉक्सिमल शिफ्ट होगा और मीडियल और लैटरल शिफ्ट होगा, ठीक है। तो कैसा है, ये डिस्टल फ्रैगमेंट है ना, ये डिस्टल फ्रैगमेंट है, या तो पीछे बैकवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है या बैकवर्ड टिल्ट हो जा रहा है ना, या फिर आपका जो ऊपर ऊपर है क्या, ऊपर का नहीं है, देखो पहला क्या है पोस्टीरियर बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है और एक बैकवर्ड टिल्ट हो रहा है, ठीक है, एक प्रॉक्सिमल सामने की तरफ शिफ्ट हो रहा है और एक लैटरल शिफ्ट हो रहा है और एक मीडियल टिल्ट हो रहा है और इंटरनल रोटेशन मतलब कि वो अंदर की तरफ रोटेट हो जा रहा है, ठीक है, इंटरनल रोटेशन। देखो इसमें बताया, इसे बताया, देखो प्रॉक्सिमल लैटरल मीडियल शिफ्ट, ठीक है, इसमें शिफ्ट हो रहा है ये पूरा जो कॉन्डाइल है डिस्टल फ्रैगमेंट, ये पूरा शिफ्ट हो रहा है, देखो ये पूरा शिफ्ट हो रहा है ऐसे ऐसे और ऐसे, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक डॉर्सल में टिल्ट हो रहा है, उसी जगह पे है शिफ्ट नहीं हुआ, उसी जगह पे टिल्ट हुआ है, बाकी एक डॉर्सल शिफ्ट भी हुआ है,
लेकिन ये जो फ्रेगमेंट है ये पीछे चला गया है, यहाँ होना चाहिए ना इसको, तो यहाँ आ गया है, ठीक है, ये हो गया। अब मेन याद रखो, डॉर्सल शिफ्ट, डॉर्सल टिल्ट है ना, प्रॉक्सिमल शिफ्ट, लैटरल मीडियल शिफ्ट हो सकता है, मीडियल टिल्ट हो सकता है, और इंटरनल रोटेशन हो सकता है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या क्या पढ़े अपन अभी, इसका मैकेनिज्म पढ़े, और फिर आपका पैथोएनाटॉमी पढ़े, रिवाइज करेंगे टेंशन मतलब, और फिर उसके बाद क्या पढ़े अपन, टाइप्स पढ़ लिए, और फिर अपन डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए। और आते डायग्नोसिस, कि आप डायग्नोसिस कैसे करोगे, हाँ इसका सुप्रा कोरोनरी फ्रैक्चर हुआ है। पहला क्या है कि जो पेशेंट है, जो बच्चों होता है, तो चाइल्ड कौन सा कंप्लेन लेकर आएगा, चाइल्ड इज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल विद हिस्ट्री ऑफ फॉल, ठीक है, फॉल हुआ है उसको, फॉलोड बाय पेन, वहाँ पेन होगा। देखो कोई भी अगर जो फ्रैक्चर हो रहा है उसमें पेन, स्वेलिंग और डिफॉर्मिटी, इनएबिलिटी उसमें सेम है, सब में होगा वो, ठीक है, बस जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे वो कर नहीं पाएगा। जैसे अगर एल्बो में हुआ है तो एल्बो में फिर पेन होगा, स्वेलिंग होगा। अगर क्लेविकल का फ्रैक्चर है तो क्लेविकल फ्रैक्चर में पेन होगा, स्वेलिंग होगा, है ना, उसका मोबिलिटी खराब हो जाएगा, है ना, डिफॉर्मिटी हो जाएगा, जहाँ पे हो वहाँ पे आप बता सकते हो, ठीक है, सिम्टम उसका वही सेम ही रहेगा। तो फॉल का उसका हिस्ट्री रहेगा, पेन आएगा उसका, स्वेलिंग होगा, डिफॉर्मिटी होगा, और इनएबिलिटी टू मूव द अफेक्टेड एल्बो, एल्बो को मूव नहीं कर पाएगा। जब एग्जामिन करोगे आप, when presented early before significant swelling has occurred the following clinical sign may be observed, ठीक है। अब अगर swelling के पहले आप examine करोगे तो आपको कुछ observe कुछ देखने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा, unusual posterior prominence of point of the elbow, ठीक है, unusual posterior prominence of the point of the elbow because of backward tilt of the distal fragment, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है ये कि जो आपका जो elbow का posterior prominence है of the point of the elbow unusual, जैसे टिप ऑफ ऑलिकर्न हो गया, इस पर क्या होगा, ये पीछे की तरफ ज़्यादा दिखेगा हम लोग को, है ना, पोस्टरली प्रोमिनेंस दिखेगा अपन को, बिकॉज ऑफ बैकवर्ड टिल्ट ऑफ द डिस्टल फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट क्या हुआ है, वो टिल्ट हो गया है, वो पीछे तरफ बैकवर्ड टिल्ट हो गया है, जिसके कारण जो ऑलिकर्न प्रोसेस हमको एक पोस्टियर साइड में हमको एक दिखे अब गहरा हुआ। सिंस द फ्रैक्चर इज अबव द कॉन्डाइल, कॉर्नर के ऊपर हुआ है, द थ्री बोनी पॉइंट्स रिलेशनशिप इज मेंटेन एज इट इन अ नॉर्मल एल्बो, ठीक है। अब देखो जो एल्बो है, एल्बो में जो रेडियस और आपका अल्ला और यहाँ पर ह्यूमरस है ना, यहाँ पे वो होता है ना आपका एल्बो जॉइंट, तो यहाँ पे जो थ्री बोन्स है वो आपका परफेक्ट दिखा, क्योंकि इस यहाँ पर तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ है ना, आपको दिक्कत यहाँ हुआ है, सुपरा इस कॉन्डाइल्स के ऊपर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीनों जो आपके जो बोनी पॉइंट्स है वो आपको मेंटेन रहेगा, इसलिए नॉर्मल एल्बो में रहता है। तो दो चीज़ क्या देखने को मिलेगा आपको, अगर अर्ली देखते हो तो कि आपका जो एक बैकवर्ड टिल्ट के कारण आपका जो पीछे पोस्टियर में आपको ऑलिगोमेंट प्रोसेस का एक प्रोमिनेंस दिखेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो मेंटेन रहता है नॉर्मल एल्बो में वो भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। व्हेन प्रेजेंटेड लेट, अगर वो लेट आया तब क्या होगा, तो स्वेलिंग हो चुका है, मेक इट्स डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट दिस साइन। अब देखो स्वेलिंग आ गया है तो हम देख नहीं सकते, फिर अपन को साइन देखना मुश्किल पड़ जाएगा, दस मेकिंग द क्लिनिकल डायग्नोसिस डिफिकल्ट, तो ये हमारे डायग्नोसिस को डिफिकल्ट बना देगा। बट फिर देखते हैं अपन, द पॉसिबिलिटी ऑफ द इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द डिस्टल एक्सट्रीमिटी बिकॉज ऑफ एसोसिएटेड ब्रेकियल आर्टरी इंजरी मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इन ऑल केसेस, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसमें क्या बोल रहा है ये, द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द डिस्टल एक्सट्रीमिटी। अब देखो यहाँ से क्या होता है, आपके जो आर्म है वहाँ से ब्रेकियल आर्टरी पर ट्रेवल कर रहा होता है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि डिस्टल फ्रैक्चर होने के कारण ब्रेकियल आर्टरी का भी इंजरी हो सकता है, इसलिए हमको वहाँ पर भी साइन केस देखना है, कहीं ब्रेकियल आर्टरी का इंजरी नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप पहले क्या देखोगे, पहले आपका अर्ली साइन हो गया, फिर लेट साइन हो गया। अर्ली में आपका वही है कि आपको जो एक प्रोमिनेंस दिखाई देगा और आपका जो मेंटेन होता है जॉइंट का बोनी जॉइंट मेंटेन रहेगा। लेट पे क्या है, स्वेलिंग आ चुका है, इसे स्वेलिंग नहीं रहता, इसमें स्वेलिंग इस पर रहता है, स्वेलिंग आ चुका है। स्वेलिंग आने के कारण क्या होगा, तुम्हारा जो साइन है वो देखने को नहीं मिलेगा और तो डिफिकल्ट कर देगा। बाकी इसमें क्या होगा, आपका जो ब्रेकियल आर्टरी ट्रेवल कर रहा था उसको चेक करेंगे अपन, कहीं इस पर तो इंजरी नहीं हो गया है। अब इसे देखो, इसमें आप देखो इसमें क्या होता है, रेडियल और अल्नर पल्सेस में भी एबसेंट विथ और विदाउट साइन ऑफ इस्कीमिया, ठीक है। रेडियल और अल्नर का जो पल्सेस है वो भी एबसेंट हो सकता है विथ और विदाउट साइन ऑफ इस्कीमिया, ठीक है। वन मस्ट लुक फॉर इंजरी टू मीडियल नर्व, पॉइंटिंग इंडेक्स टू और रेडियल नर्व, ठीक है। रिस्ट ड्रॉप, देखो रिस्ट ड्रॉप किस में था, रेडियल नर्व में था। फुट ड्रॉप किस में था, कॉमन पेडुलर नर्व में था, ठीक है। तो जो रेडियल इस पे देखो, यहाँ पे एल्बो है ना, तो एल्बो में आपका रेडियल नर्व पीछे जा रहा होता है और यहाँ पे मीडियल नर्व आ रहा होता है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि मीडियल नर्व में और रेडियल नर्व में कोई दिक्कत तो नहीं आया। तो क्या क्या चेक कर रहे हैं अपन, ब्रेकियल आर्टरी चेक कर रहे हैं, मीडियल नर्व चेक कर रहे हैं और रेडियल नर्व चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो और फिर उसके बाद आते हैं रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, मतलब हमको एक्सरे में क्या देखेगा, हमको अगर रेडियोलॉजिकल देखना है तो
मोस्ट ऑफन इट इज ईजी टू डायग्नोज द फ्रैक्चर बिकॉज ऑफ वाइड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. समटाइम्स द अपीयरेंस ऑफ ऑसिलेशन सेंटर्स अराउंड द एल्बो मेक डायग्नोसिस ऑफ अ मिनिमली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर डिफिकल्ट. ये क्या बोल रहा है कि एक्सरे में देखने को मिलता है, बाकी इसमें क्या दिखता है, इसमें क्या रहता है कि कभी कभी जो ऑसिलेशन है वो जो सेंटर है एल्बो में वो डायग्नोसिस को थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में डिफिकल्टी करा देता है. ठीक है, हम किसी को याद नहीं कर रहे, हमको मेन दिखता है वो याद रखना है अपन को. देखो एपीवी में क्या देखेगा हमको, वन कैन सी द प्रॉक्सिमल शिफ्ट, मीडियल और लैटरल शिफ्ट, मीडियल टिल्ट एंड रोटेशन ऑफ द डिस्टल फ्रेगमेंट. जो हम पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट को वो दिखेगा हम लोग को यहाँ पे. ठीक है, डायग्नोसिस में या तो उसका प्रॉक्सिमल शिफ्ट हो गया है या डिस्टल शिफ्ट हो गया या टिल्ट हो गया है या इंटरनली रोटेट हो गया है. ठीक है, जो हम पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट में पढ़े थे. इन द लैटरल व्यू, आप अगर आप लैटरल व्यू देखोगे, वन कैन सी द प्रॉक्सिमल शिफ्ट. अगर लैटरल व्यू देखेंगे अपन को तो हमको एक प्रॉक्सिमल शिफ्ट दिखाई देखने को मिलेगा. इफ ये पोस्टर शिफ्ट हो गया है या पोस्टर टिल्ट हो गया है या फिर रोटेट हो गया है डिस्टल फ्रेगमेंट का. ठीक है, सेम बस आपका इसमें क्या है, इसमें आपको एपी व्यू देख रहे हो और इसमें आप लैटरल व्यू देख रहे हो. ठीक है, तो एपी व्यू में क्या देखेगा आपको, आप प्रॉक्सिमल शिफ्ट, मीडियल और लैटरल शिफ्ट हो गया है या मीडियल टिल्ट हो गया है, उस मतलब जो पर डिस्प्लेसमेंट वो यहाँ डाल दे रहा है. ठीक है, अब आता है ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट क्या है, अगर जो डिस्प्लेस नहीं हुआ है, अगर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो इस पर क्या करना है, आपको सिर्फ प्लास्टर स्लैब लगाना है एल्बो के ऊपर ताकि वो क्या करे, इसको मोबाइल होने से बचाए, इमोबाइल कर दे जॉइंट्स को और वो अपने आप फ्रैक्चर जो है ठीक हो जाएगा अगर अनडिस्प्लेस्ड है तो. ठीक है, रिक्वायर्स इमोबाइजेशन इन द एंड अबव एल्बो प्लास्टर स्लैब. अबव एल्बो क्यों है, क्योंकि सुप्रा कॉन्टेनर है, एल्बो के ऊपर ये हुआ है ना, तो उसके ऊपर हम प्लास्टर स्लैब लगाएंगे विद एल्बो इन 10 डिग्री फ्लेक्शन. इसमें क्या करेंगे, एल्बो के ऊपर 90 फ्लेक्शन में कर देंगे. ठीक है, फ्लेक्शन मतलब क्या है, जैसे ये एल्बो है ना, तो इसको एल्बो को बॉडी के तरफ लेके आएंगे अपन. ठीक है, ऐसे. तो इन ऑल डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, ये तो हो गया अनडिस्प्लेस्ड का हो गया. देखो कोई भी फ्रैक्चर हुआ है और अनडिस्प्लेस्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है. अब आप सिंपल सा एक स्लैब लगा दो है ना, फिर कुछ आप टूर्निकेट लगा दो और उसको इमोबाइल रख दो. ठीक है, ताकि वो अपने आप ठीक होगा. अगर डिस्प्लेस्ड हो गया है द चाइल्ड शुड बी एडमिटेड टू हॉस्पिटल बिकॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशन कैन अकर विद इन द फर्स्ट 48 आवर्स. तो अपन को अगर आपका डिस्प्लेस्ड हो गया तो क्या करना है हमको. ठीक है, हम सिर्फ नाम याद रखेंगे, मेनली अंदर कुछ याद नहीं करना है. देखो पहला क्या है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्लोज रिडक्शन एंड परक्यूटेनियस के वायर फिक्सेशन. ठीक है, इस पर क्या होता है कि मोस्ट डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर आर इजिली रिड्यूस्ड बाई क्लोज रिडक्शन. क्लोज क्या है कि हम अंदर से ठीक करेंगे उसको, हमको ओपन करने की जरूरत नहीं है. लेकिन इसमें होता क्या है कि क्लोज रिडक्शन में क्या होता है कि वो कभी कभी स्लिप हो जाता है डिस्प्लेसमेंट आपको अगर उसको अलाइन किया हो फ्रैक्चर लाइन में तो कभी कभी स्लिप हो जाता है. हैंस इट इज़ द बेस्ट टू फिक्स देम विथ वन और टू के वायर्स. इसे हम इसको क्या करेंगे, क्लोज तो करेंगे उसको फिर के वायर से फिक्स करेंगे ताकि वो स्लिप ना हो. ठीक है, पास कैसे होगा, ये परक्यूटेनियस से पास होगा, इसलिए नाम इसका क्या है, क्लोज रिडक्शन एंड परक्यूटेनियस के वायर फिक्सेशन अंडर इमेज इंटेंसिफायर गाइडेंस. वेयर फैसिलिटी फॉर इमेज इंटेंसिफायर इज नॉट अवेलेबल अ क्लोज वॉच ऑन द फ्रैक्चर पोजिशन इन प्लास्टर इज अ मस्ट. हटाओ, हम उसमें क्या याद रखेंगे कि क्लोज रिडक्शन करते हैं अपन. कभी कभी क्लोज रिडक्शन में क्या होता है कि जो फ्रैक्चर का है वो स्लिप हो जाता है एंड जो डिस्प्लेस किए थे अपन, हम क्या करेंगे उसको परक्यूटेनियस के वायर से हम उसको वो करेंगे, हेल्प देंगे ताकि वो डिस्प्लेस ना हो. ठीक है, स्लिप ना हो. अब उसके बाद टेक्निकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, है ना, क्योंकि इतना डीप आप लिख भी नहीं पाओगे एग्जाम में, हमको सिर्फ मेन वो याद रखना है. बापरे, ठीक है, आप क्लोज में लिखना ही है. ठीक है, आप सीधा अपन आते हैं ओपन रिडक्शन में आते हैं. ठीक है, ओपन रिडक्शन के वाई फिक्सेशन. ओपन में क्या है कि आपको ओपन करना पड़ता है. इन सम केसेस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव अ गुड पोजिशन बाय क्लोज मेथड और द फ्रैक्चर गेट रीडिस्प्लेस्ड आफ्टर रिडक्शन. ठीक है, इसे क्या बोल रहा है, कभी कभी क्या होता है हम क्लोज के में उसको गुड पोजिशन अपन अचीव नहीं कर पाते या फिर कभी क्या होता है कि हम आप क्लोज तो किए थे वो वापस वो क्या बोलते हैं डिस्प्लेस्ड हो गया फ्रैक्चर, तो हम फिर आप आएंगे ओपन रिडक्शन में, अपन उसको क्या करेंगे ओपन करेंगे. इन सच केसेज ओपन रिडक्शन एंड के वायर फिक्सेशन इज नेसेसरी. तो अपन क्या करेंगे, खोल के उसको के वायर से फिक्स करेंगे. ठीक है, दिस इज ऑल्सो यूज एज फर्स्ट स्टाइल ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन सम ओपन फ्रैक्चर एंड इन दोज रिक्वायरिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ द ब्रेकल आर्टरी फॉर सस्पेक्टेड इंजरी. इसमें क्या करेंगे अपन, जो ब्रेकल आर्टरी उसको भी एक्सप्लोर करेंगे तो कहीं इस पर तो इंजरी नहीं हुआ है. ठीक है, ये हो जाएगा. तीसरा क्या है, कंटिन्यूस ट्रैक्शन. इसमें क्या करते हैं अपन, दिस इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्रेजेंटिंग लेट विद एक्सेसिव स्वेलिंग. अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि वो बहुत लेट आया है, उसमें स्वेलिंग हो गया है, तो अपन ट्रैक्शन देंगे उसको और फिर बैड कंडीशन में है वो, बैड बाउंड अराउंड द एल्बो.
द ट्रैक्शन मे बी गिवन विद अ के वायर पास थ्रू द ओलेक्यूरल स्मिथ ट्रैक्शन और अ बिलो एल्बो स्किन ट्रैक्शन, है ना। दिस मेथड आर नो लॉन्गर यूज, पहले यूज होते थे अब यूज नहीं होते, आपके पास ओपन रिडक्शन और क्लोज रिडक्शन में हो जाता है, ठीक है। तो फिर आगे क्या है, कॉम्प्लिकेशन। देखो ये हमें टेबल दिया है, हम एग्जाम में फ्यूचर बना के आएंगे, ठीक है। पहले क्या है, देखो पहले देखते हैं बोल क्या रहा है। देखो सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर हुआ, ठीक है हुआ, अपन पल्स चेक किए तो रेडियल पल्स प्रेजेंट था, ठीक है। अब देखें कि वो डिस्प्लेस्ड है कि अनडिस्प्लेस्ड है। अगर वो अनडिस्प्लेस्ड है तो सिंपल क्या करेंगे अपन, पीओपी का स्लैब देंगे 3 वीक के लिए और वो मोबिलाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको एक्सरसाइज कराएंगे तो मोबिलाइज हो जाएगा वो, तो ये ठीक हो गया अनडिस्प्लेस्ड है। अगर डिस्प्लेस्ड है तब क्या करेंगे, डिस्प्लेस्ड है तो एक होता है क्लोज रिडक्शन, एक होता है क्लोज रिडक्शन एंड परकुटानियस के वायर, ठीक है, जो पढ़े अपन। इसमें क्या करेंगे अपन, एक्सरे चेक करेंगे 1 वीक के बाद, देखेंगे कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अगर ठीक हो गया है फिर अपन पीओपी सपोर्ट देंगे 3 वीक के लिए और फिर वो मोबिलाइज हो जाएगा, ठीक है, जो सेम था वो हो जाएगा। अब देखते हैं अपन क्लोज रिडक्शन अंडर जनरल एनेस्थेसिया, इसमें क्या होगा अपन फिर एक्सरे चेक करेंगे, है ना, एक्सरे डेज हम चेक करेंगे। अगर जो रिडक्शन मेंटेन है तो फिर पीओपी लगा देंगे 3 वीक के लिए और फिर मोबिलाइज हो जाएगा। अगर जो रिडक्शन किए थे अपन वो स्लिप हो गया है तो फिर अपन ओपन में आएंगे, ओपन करके फिर मोबिलाइज करेंगे अपन, ठीक है। अगर एक्सरे एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर एक्सरे देख नहीं पा रहे अपन, तो एक्सरे अनएक्सेप्टेबल है तो सीधा ओपन कर देंगे अपन, ठीक है, वापस खोल के पोस्ट करेंगे, क्योंकि अपन देख नहीं पाए ना किसी आपका जो एक्सरे हो नहीं पा रहा है, तो कैसे पता करेंगे अपन कि वो डिस्प्लेस्ड हुआ कि नहीं हुआ है जो रिडक्शन किए थे अपन, ठीक है। ऐसे बनाना आप डायग्राम, है ना, आप फ्लो चार्ट, तो अच्छा नंबर मिलेगा। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशन में कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर कारण। देखो मेरे लिए मैं खुद दिमाग लगाता हूँ क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या है, हमारा रेडियल नर्व है, ना मीडियल नर्व है, ब्रेकल आर्टरी है, इसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। वो लगता है कि अर्ली में यही होगा, है ना, और लेट में आपका क्या बोलते हैं मेलोनियन नॉन यूनियन, ये जो अपन पढ़ के पीछे से मैं एक वो लगा रहा हूँ बस, ठीक है, कैसा हो सकता है देखते हैं अब क्या है। सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर इज ए नोटोरियस फॉर अ नंबर ऑफ सीरियस कॉम्प्लिकेशन, दिस कैन बी इमीडिएट अर्ली और लेट, तीन होता है इमीडिएट अर्ली और लेट, ठीक है। इमीडिएट पे क्या होगा, अकरिंग एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर, उसी टाइम पे जो फ्रैक्चर उस टाइम पे कुछ होगा। अर्ली में क्या है, फर्स्ट 2 से 3 दिन में होगा, और लेट में क्या है कि वीक से मंथ लग सकता है। अब आते हैं इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन में, देखो वही आया, देखो इंजरी टू ब्रेकल आर्टरी, ब्रेकल आर्टरी में कुछ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल्बो के में वो रहते हैं कोलैटरल्स रहते हैं, तो वो क्या करते हैं हैंड को अलाइव करते हैं, बट फ्लेक्चर मसल्स ऑफ द फोरआर्म में सफर इस्केमिक डैमेज लीडिंग टू वोल्केमल इस्केमिया, ठीक है। वोल्केमल इस्केमिया किसको बोलते हैं, अगर आपका ब्रेकल आर्टरी में इस्केमिया हो गया जिसके कारण आपका जो फोरआर्म है उसमें आपका ब्लड सप्लाई जा नहीं पा रहा है तो इस्केमिया हो जा रहा है, उसको बोलते हैं अपन वोल्केमल इस्केमिया। एट टाइम्स द वास्कुलर कॉम्प्रोमाइज मे बी सीवियर इनफ टू रिजल्ट इन गैंग्रीन, तो फिर गैंग्रीन में चेंज हो सकता है, ठीक है। ब्रेकल आर्टरी हो गया, इंजरी टू नर्व, द मीडियल नर्व इज द मोस्ट कॉमनली इंजर्ड नर्व, रेडियल नर्व इज ऑल्सो समटाइम्स अफेक्टेड, ठीक है, वही है। अगर ये हम सब में अर्ली पढ़ते थे जो ब्रेकल आर्टरी जो भी कंटेंट वहाँ पास होता है यहाँ पे इमीडिएट में आएगा। अब आते हैं अर्ली में, अर्ली में क्या है, वोल्केमल इस्केमिया जो भी अपन पढ़े जस्ट, ठीक है। ये क्या होता है, जिसे इस्केमिक इंजरी टू द मसल एंड नर्व ऑफ द फ्लेक्चर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म, ठीक है। तो फ्रैक्चर कंपार्टमेंट फोरआर्म, इट इज कॉज ड्यू टू ऑक्लूजन ऑफ द ब्रेकल आर्टरी बाय सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर। ये वोल्केमल इस्केमिया क्या होता है कि ब्रेकल आर्टरी का ऑक्लूजन हो गया है, बस इतना रखना हम लोग को, ठीक है। और फिर इसके बाद ये इंपॉर्टेंट में आता है क्या, वोल्केमल इस्केमिया नहीं आता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके अपन बस इसका कॉम्प्लिकेशन देखेंगे अपन, इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हाँ, और ये तो हो गया आपका वोल्केमल, लिख लोगे आप, ठीक है। और फिर अपन आते हैं नीचे लेट कॉम्प्लिकेशन में, लेट में आएंगे, लेट में क्या होगा, मेलोनियन, ठीक है, मतलब कि अच्छे से जुड़ा नहीं है, उल्टा पुल्टा जुड़ गया है, ठीक है। इट इज़ द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर एंड रिजल्ट इन क्यूबाइटस वायरस डिफॉर्मिटी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्यूबाइटस वायरस डिफॉर्मिटी, ठीक है। तो ये आपका अलग से आता है, क्यूबाइटस वायरस डिफॉर्मिटी, ये आपका 5 मार्क्स से पूछ लेगा, ठीक है, कि क्या होता है। तो ये क्या होता है, ये आपका मेलोनियन होता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है किसका, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर का। एक होता है वोल्केमल इस्केमिया जो कि आपका अर्ली कॉम्प्लिकेशन हो गया, ठीक है, जिसमें क्या होता था आपका ब्रेकल आर्टरी में ऑक्लूजन हो गया है। दूसरा क्या है, मेलोनियन जिसमें क्यूबाइटस वायरस डिफॉर्मिटी हुआ है। इसमें होता क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्रैक्चर यूनाइट विद द डिस्टल फ्रैगमेंट
टिल्टेड मीडियली एंड इंटरनल रोटेशन। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि जो फ्रैक्चर हुआ था, जो फ्रैक्चर एक प्रॉक्सिमल था, एक डिस्टल था, तो जो डिस्टल से क्या हो गया, फ्रैक्चर ना यूनाइट कर गया है, जो कि डिस्टल मीडियली था उससे यूनाइट कर गया है, एंड और जो था वो इंटरनली रोटेट था, ठीक है, इंटरनली रोटेटेड था, और वो क्या था, मीडियली टिल्टेड था, उससे वो यूनाइट कर दिया है, ठीक है। माल यूनियन में अकर आइदर बिकॉज ऑफ फेलियर टू अचीव गुड रिडक्शन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रैक्चर विद इन द प्लास्टर। ये क्यों होता है मान लो, देखो मेनली मान लो क्यों होता है, आप अच्छे से उसको अच्छे से आप रिडक्शन प्रॉपर नहीं दिए हो, है ना, या फिर आप उसका स्कीम जो है वो अच्छा नहीं है, उसका सप्लाई न्यूट्रिशन सप्लाई अच्छा नहीं है, ब्लड सप्लाई अच्छा नहीं है, तब होता है माल यूनियन, ठीक है। या फिर आप जो डिस्प्लेसमेंट किए हैं उसका फ्रैक्चर का जो बोन का, वो आप ढंग से नहीं किए हो, इसलिए वो माल यूनियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो क्यूबाइटस वायरस डिफॉर्मिटी इज ऑफन टर्म एज गन स्टॉक डिफॉर्मिटी। देखो ये होता है गन स्टॉक डिफॉर्मिटी, ये तो ऐसे कर ऐसे करके ऐसे रहता है ये, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे रहा आम का और फोरम ऐसे हो गया, ठीक है, माल यूनियन बन गया है, मतलब कि जिस तरह जुड़ना चाहिए वैसे जुड़ा नहीं है, वो उल्टा हो गया है, यहाँ जुड़ना चाहिए था यहाँ जुड़ गया है, ठीक है। समटाइम्स द डिस्टल फ्रैगमेंट यूनाइट विद एक्सेसिव बैकवर्ड टिल्ट रिजल्टिंग इन हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो अलोंग विद लिमिटेशन ऑफ द फ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि इतना ज़्यादा वो डिस्टल फ्रैगमेंट जो है वो इंटरलोटेड रहता है और एक्सटेंड रहता है, उसमें वो मार्जिन हो जाता है, जिसके कारण जो एल्बो जॉइंट का है उसमें हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है और फ्लेक्शन उसमें नहीं हो पाता है, ठीक है। तो गन स्टॉक डिफॉर्मिटी दिखता है अपन को। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट वही है कि ये जो है एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है ना, क्यूबाइटस वायरस डिफॉर्मिटी यूजली विदाउट मच फंक्शनल इंपेयरमेंट। देखो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ होगा नहीं प्रॉब्लम, अगर कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से इसको वो करेंगे, ट्रीट करेंगे, बैडली डिफॉर्म एल्बो शुड बी करेक्टेड, ट्रीटमेंट इज सच अ सुप्रा करेक्टिव ऑस्टियोटॉमी फ्रेश ऑस्टियोटॉमी। कुछ नहीं करना है मेरे को, इसको इसका मतलब ये है कि हम ना वापस इसको छेद करके ना वापस इसको उस डिस्प्लेसमेंट पे रिडक्शन करेंगे और उस फ्रैक्चर को अलाइन करेंगे उस लाइन में, ठीक है, उस लाइन अलाइन करेंगे ताकि जो जो डिस्प्लेस्ड जो आपके डिस्टल फ्रैगमेंट से जुड़ गया था ना फ्रैक्चर लाइन, वो आपका चेंज हो जाएगा और आपका एल्बो जो नॉर्मल होता है उसके नॉर्मल काउंटर में ला लेंगे अपन। तो ये तो हो गया आपका पहला हो गया माल यूनियन, इसको बोलते हैं क्यूबाइटल वायरस डिफॉर्मिटी, जो खुद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस, ठीक है, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये देखते हैं अपन, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है हम क्यों पढ़ें इसको, है ना, इंपॉर्टेंट है, चलो पढ़ते हैं। क्या होता है, इट इज़ ए एक्टोपिक व्यू अ न्यू बोन फॉर्मेशन अराउंड द एल्बो जॉइंट। इसको याद करो पढ़े थे पहले, कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर पढ़े थे इसको, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस, ठीक है, तो इसको ईजी पड़ेगा अपन को। इसमें था कि हमको ना मसाज नहीं करना चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता था कि ना हेमाटोमा, एक ब्लड क्रशन होकर ना हेमाटोमा बनता था, हेमाटोमा क्या होता था बाद में, वो टाइम बाद ना वो एक बोन का मास बना देता था, जिसके कारण उसका बोन का स्टेबिलिटी जो था वो कम हो जाता था और उसका डिफॉर्मिटी और इंस्टेबिलिटी बढ़ता था उसका, ठीक है। ये अपन पढ़ते पहले के चैप्टर्स पे, अभी क्या बोल रहे हैं, तीसरे एक्टोपिक न्यू बोन फॉर्मेशन, सही बात है, न्यू बोन फॉर्मेशन बन जाता है अराउंड द एल्बो जॉइंट, जिसके कारण क्या होगा, स्टिफनेस आ जाएगा एल्बो जॉइंट का, मसाज फॉलोइंग द इंजरी सो कॉमनली रिस्टोर इन टू सम प्लेसेस इज अ मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। इसमें था कि मसाज हमें कभी करना नहीं चाहिए, इसमें मसाज कभी नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है, हमको पेन के लिए एंसर देना चाहिए और उसको सिंपली क्या बोलते हैं, अगर वो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं तो सर्जिकली रिमूव करना था उसको। ट्रीटमेंट क्या है, इन द अर्ली स्टेज द एल्बो इज पुट टू रेस्ट इन अ अबव एल्बो स्लैब फॉर 3 वीक्स, ठीक है। पहले क्या करेंगे अपन, पहले अर्ली स्टेज में क्या करेंगे, एल्बो को ना बनना रेस्ट देंगे एक एल्बो स्लैब में, ठीक है, 3 हफ्ते के लिए, फॉलोइंग दिस जेंटल एल्बो मोबिलाइजेशन इज स्टार्टेड। इन सम लेट केस जो मायोसाइटिस बोन बन गया है उसको एक्साइज कर देंगे अपन आर्थ्रोप्लास्टी से ऑफ द एल्बो इज रिक्वायर्ड, वट एवर ट्रीटमेंट इज अंडरटेकन चांसेस ऑफ एल्बो रिगेनिंग फुल रेंज ऑफ मूवमेंट आर लिटिल। कुछ भी आपका लोगे तो बहुत कम चांस है कि वो ठीक हो सके, ठीक है। ये क्या था आपका मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस था, एक क्या था आपका माल यूनियन क्यूबाइटस वायरस डिफॉर्मिटी, जिसमें क्या था आपका फ्रैक्चर जो है यूनाइट हो रहा था डिस्टल फ्रैगमेंट से, जो कि इंटरनली रोटेट था और आपका भाग जब निकला हुआ था, जिसके कारण गन स्टॉक डिफॉर्मिटी बनता था, ठीक है। उसमें क्या होता था आपका जो एल्बो है वो काफ़ी हाइपर एक्सटेंशन हो जाता था और आपका फ्लेक्शन नहीं होता था एल्बो का, ठीक है, ये आपका था। अब इसका क्या है, मायोसाइटिस का क्या है, न्यू बोन फॉर्मेशन हो जा रहा है, बस वो हो जा रहा है, ठीक है। अब लास्ट है वोल्कमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर, ये क्या होता है, देखो वोल्कमैन इस्केमिया अलग होता है और वोल्कमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर अलग होता है, दिस इज सीक्वल ऑफ वोल्कमैन इस्केमिया। ये क्या होता है, वोल्कमैन इस्केमिया के बाद
जो होगा वो होगा वॉल्क बाय इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर। तो इस्केमिक मसल आज ग्रेजुअली रिप्लेस बाय फाइबर टिश्यू। हम पढ़े थे कि अगर ब्लड सप्लाई कम आ गया है तो इस्केमिया हो गया, इस्केमिया होने के बाद फिर क्या होगा, उसे फाइबर टिश्यू आ जाएगा। अब टिश्यू आ गया तो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ड्रॉज द रिस्ट एंड फिंगर्स इनटू फ्लेक्शन। देखो ऐसा हो जाएगा, ये देखो ऐसा हो जाएगा, जो रिस्ट है ये आपका रिस्ट है और आपका जो फिंगर है, ये फिंगर है और ये रिस्ट है, उसको फ्लेक्स कर देगा, उसको ना फ्लेक्स कर देगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना फोरआर्म मसल, तो फोरआर्म मसल और हैंड का मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो फ्लेक्स कर देगा। इफ द पेरिफेरल नर्व ऑल्सो अफेक्टेड ड्यू सेंसरी लॉस एंड मोटर पैसेज इन फोरआर्म एंड हैंड। अगर आपका नर्व भी खराब हुआ है, जैसे कि रेडियल नर्व है ना, मीडियल नर्व, ये भी खराब हुआ है, तो आपका फिर सेंसरी लॉस भी हो सकता है उस पर और आपका हैंड का भी मोटर पैसेज हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या दिखेगा वॉल्कमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर में, देयर इज मार्क एट्रोफी ऑफ द फोरआर्म। सही बात है, आपका इस्केमिया हो गया है तो एट्रोफी हो जाएगा फोरआर्म का, विद फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ द रिस्ट एंड द फिंगर, ठीक है, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो गया है रिस्ट का और फिंगर का। द स्किन ओवर द फोरआर्म एंड द हैंड इज ड्राई एंड स्केली। क्यों? क्योंकि आपका जो आपका वो है, आपका सेंसरी लॉस हो गया है तो कुछ ड्राई होगा आपका और स्केली हो जाएगा, ठीक है, स्किन किसके, फोरआर्म का और हैंड के ऊपर। पहले क्या हुआ कि एट्रोफी हो गया है उसका, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो गया है रिस्ट और फिंगर्स का, और आपका जो स्किन है वो स्केली हो गया और ड्राई हो गया है। द नेल्स ऑल्सो शो एट्रोफिक चेंजेस। सही बात है, अब नेल से भी ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, वहाँ पे आपको एट्रोफिक चेंजेस देखने को मिलेगा नेल से। वॉल्कमैन साइन हेल्प्स इन डिसाइडिंग द कॉज ऑफ फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ द फिंगर्स, ठीक है, जो वॉल्कमैन साइन है वो हेल्प करता है, हमको हेल्प करता है डिसाइडिंग करने में कि फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ द फिंगर्स। इन दिस साइन इट इज़ पॉसिबल टू एक्सटेंड द फिंगर्स फुल्ली एट द इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, ठीक है, ये है देखो, ये वॉल्कमैन साइन क्या होता है कि आप जब क्या बोलते हैं एक्सटेंड करोगे इंटरफेलेंजियल जॉइंट को एक्सटेंड करोगे ओनली व्हेन द रिस्ट इज फ्लेक्स्ड, ऑन द एक्सटेंडिंग द रिस्ट द फिंगर गेट फ्लेक्स्ड। अच्छा, ये ऐसा बोल रहा है कि अगर आप रिस्ट को ये रिस्ट है, रिस्ट को आप अगर फ्लेक्स करोगे, रिस्ट को फ्लेक्स करोगे तो आपका ये जो है ना इंटरफेंशन जॉइंट वो एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। अगर रिस्ट को आपको एक्सटेंड कर दोगे तो आपका जो इंटरफेंशन जॉइंट है वो फ्लेक्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं अपन वॉल्कमैन साइन बोलते हैं, ठीक है। एक वॉल्कमैन इस्केमिया हो गया, वॉल्कमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर हो गया और वॉल्कमैन साइन हो गया। कॉन्ट्रैक्चर क्या बोल रहा था कि मसल का एट्रोफी हो गया है जिसके कारण क्या हो गया, फाइबर टिश्यू हो गया, जैसे कॉन्ट्रैक्चर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है मसल, तो क्या करेगा वो रिस्ट और फिंगर्स को फ्लेक्स कर देगा, है ना, रिस्ट और फिंगर्स को फ्लेक्स कर देगा। और साइन क्या है, अगर रिस्ट को एक्सटेंड करोगे तो फिंगर जो है वो फ्लेक्स हो जाएगा और अगर फिंगर्स को एक्सटेंड कर दोगे तो रिस्ट फ्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज वेन द रिस्ट इज एक्सटेंडेड, ये क्यों होता है, जब रिस्ट को एक्सटेंड करोगे द शॉर्टन फ्लेक्शन मसल टेंडन यूनाइट इज स्ट्रेस्ड। अगर आप रिस्ट को एक्सटेंड करें, उसको ऐसे फैलाए है ना, एक्सटेंड करोगे ना, तो जो फ्लेक्शन मसल के टेंडन है जो शॉर्ट हो गए यूनाइट, वो स्ट्रेच हो जाएंगे ओवर द फ्रंट ऑफ द रिस्ट रिजल्टिंग इन फ्लेक्शन ऑफ द फिंगर, ठीक है। उस पर क्या होगा फिर, अब वो स्ट्रेच होंगे ना तो उसमें क्या होगा, फिंगर्स के फ्लेक्शन हो जाएंगे, देर में भी हाइपोएस्थेसिया और एस्थेसिया ऑफ द हैंड। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट यही है कि माइल्ड डिफॉर्मिटी कैन बी करेक्टेड बाय पैसिव स्ट्रेचिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स यूजिंग अ टर्न बकल स्प्लिन, वॉल्कमैन स्प्लिन। सारा जो नाम है वो वॉल्कमैन है, वॉल्कमैन नाम से सब हुआ है, ठीक है, वॉल्कमैन स्प्लिन से आप ठीक कर सकते हो। ये तो क्या माइल्ड किल हो गया, अगर मॉडरेट हुआ है सॉफ्ट टिश्यू स्लाइडिंग ऑपरेशन कराएंगे अपन, जहाँ पे क्या करेंगे फ्लेक्शन मसल को रिलीज करेंगे फ्रॉम द ओरिजिन एट द मिडल एपिकोंडाइल एंड अल्ना इज परफॉर्म, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, नाम क्या है, मैक्स पेज ऑपरेशन, ठीक है, मैक्स पेज ऑपरेशन नाम है उसका। आप सिंपल आपको प्रोसेस याद होना चाहिए, आपको एग्जाम शायद नाम याद भी ना आए, ठीक है, पर एग्जाम अगर प्रोसेस लिख लोगे आपको नंबर मिल जाएगा। तो पहला क्या है अपन कि वॉल्कमैन आपका स्प्लिंट से उसको अपन ठीक कर लेंगे ना, स्ट्रेच कराएंगे, पैसिव स्ट्रेचिंग कराएंगे, और फिर अगर मॉडरेट हुआ है तो हम क्या करेंगे, जो फ्लेक्सर है उसको रिलीज करेंगे, सॉफ्ट टिश्यू स्लाइडिंग ऑपरेशन कराएंगे, जिसमें क्या होगा फ्लेक्सर मसल जो है रिलीज हो जाएगा उसके उनकी ओरिजिन से, है ना, मिडिल एपिकोंडाइल ऑफ द एंड अल्ना के बीच से। और अगर सीवियर हो गया है तो क्या करेंगे, बोन का ऑपरेशन कराएंगे, जैसे कि अपन शॉर्टनिंग कर देंगे फोरआर्म बोन का, कार्पल बोन एक्सटेंड कर देंगे, रिकवर हो सकता है, ठीक है, सिंपल है ना, ऑपरेशन करना पड़ेगा अपन को अगर सीवियर हो गया तो। ये हो गया आपका कंप्लीट वॉल्कमैन हो गया। अब उसके बाद इस चैप्टर में इतना ही है, इस चैप्टर में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, रिवाइज कर लेते अपन, है ना, सुपरकॉन्डाइल वाला।
कहाँ स्टार्ट था, यहाँ से सुप्राकोंडाइल। पहले अपन पढ़े थे कि क्या क्या कॉज हो सकता है, ये टेबल पढ़े थे अपन। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्या था, वेलगस इंजरी, वायरस इंजरी, हाइपर एक्सटेंशन था और आपका एक्सियल फोर्स था। और डायरेक्ट में क्या था, किसी किसी पर फॉल हो गया, अब कहीं दूर से हाइट से गिर गए, एल्बो के टाइम पे गिर गए, ठीक है। वेलगस क्या था, वेलगस क्या था, आपका रेडियस का हेड, आपका रेडियस का आपका नेक और आपका ह्यूमरस का कौन सा, मिडल एपिकोंडाइल, ठीक है, वेलगस और आपका मीडियल। और अगर वायरस है तो लैटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। आपका हाइपर एक्सटेंशन हो गया तो सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर, जो कि पढ़े अपन पूरा चैप्टर पर पढ़ते हैं अपन। एक्सियल में क्या होगा कि आपका एल्बो का डिसलोकेशन हो गया, ठीक है, और आपका फॉल होता है तो आपको ऑर्बिकुलर फ्रैक्चर हो सकता है, फिर आपका इंटरकोंडाइल फ्रैक्चर हो सकता है एल्बो का। ये तो हो गया आपका मेन। अब आते हैं सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर क्या होता है, ये कि आपका ये चाइल्डहुड में होता है मेनली, है ना। और इसमें मेकेनिज्म क्या है कि आप आउटस्ट्रेच हैंड में गिरे हो, जिसके कारण क्या होगा, एल्बो का हाइपर एक्सटेंशन हो गया है, ठीक है, ये आपका मैकेनिज्म हो गया। पैथोलॉजी में आएंगे अपन, पर देखते हैं इसमें कि इसमें होता क्या है कि इसमें दो फ्रैगमेंट, एक पोस्ट, एक आपका प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट, एक आपका डिस्टल फ्रैगमेंट, ठीक है। तो आपका जो डिस्टल फ्रैगमेंट है वो आपका बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें दो टाइप होते हैं, डिपेंड करता है बाहर की तरफ होकर अंदर की तरफ, डिपेंड करता है कि टाइप्स क्या है, एक एक्सटेंशन है, एक फ्लेक्शन है, ठीक है। एक्सटेंशन टाइप में क्या होता है, तो डिस्टल फ्रैगमेंट है वो एक्सटेंड हो गया है, और फ्लेक्शन में क्या होगा, तो डिस्टल फ्रैगमेंट है वो आपका फ्लेक्स हो गया है एज कम्पेयर टू, किसके कंपेयर में, प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट के कंपेयर में, ठीक है, ये आपका हो गया। और उसके बाद आपके नीचे आते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या हो सकता है कि आपका वो मिडल टिल्ट हो गया है, मिडल शिफ्ट हो गया है, लैटरल शिफ्ट हो गया है, प्रॉक्सिमल शिफ्ट हो गया है, प्रॉक्सिमल टिल्ट हो गया है, है ना, डिस्टल शिफ्ट हो गया है, वो सब लिख देना आप इसमें। और लास्ट में क्या हुआ, इंटरनली रोटेट हो गया है, ठीक है, डिस्प्लेस हो गया। डायलिसिस कैसे करोगे, जो बच्चा आएगा, पेशेंट आएगा, कैसा है क्लिनिक पे, उसको एल्बो को जॉइंट पेन होगा, उसको बहुत ज़्यादा पेन हुआ होगा और उसको स्वेलिंग हुआ रहा होगा, वहाँ पर इंस्टेबिलिटी होगा उसको, वो मूव नहीं कर पाएगा एल्बो को, ठीक है। ये तो हो गया आपका मेन, हो गया आपका जो बच्चा लेके आएगा सिम्टम। अब आपको क्या दिखेगा, अगर दो है, अर्ली है और लेट है, अगर वो जल्दी आया है, अर्ली साइन क्या होगा, आपको पेन होगा ना, तो आपको जो आपको एक ना प्रॉक्सिमल जो कॉन्डाइल ऑर्बिकुलर प्रोसेस है वो प्रॉक्सिमली आपको प्रॉक्सिमल पीछे तक आपको ना बैक साइड में पोस्टर में आपको एक प्रोमिनेंस दिखेगा, प्रोमिनेंस, ठीक है, तो वो पता चल जाएगा हाँ ये कुछ गड़बड़ है। और आपका जो एल्बो चेक करोगे ना आप, एल्बो में तीन जो जॉइंट्स है, बॉडी जॉइंट्स है, वो इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। और फिर चाहते हैं अपन, अगर लेट में आया, वो लेट आया तो क्या, स्वेलिंग हो गया, स्वेलिंग हो गया तब इसको क्या बोलते हैं, आप पता नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो पता नहीं कर पाओगे, देखो यही है, देखो वही आपका है ना, और एल्बो का आपका क्या हुआ है, प्रोमिनेंस दिखेगा अपन को, और फ्रैक्चर का जो है वो मेंटेन रहेगा नॉर्मल एल्बो में। अगर लेट आया है तो लेट में क्या होगा आपका कि क्लिनिकल डायग्नोसिस करना डिफिकल्ट हो जाएगा। और इसमें अपन क्या चेक करेंगे, अपन ब्रेकर आर्टरी चेक करेंगे अपन, ठीक है, और कहीं ब्रेकर आर्टरी में दिक्कत तो नहीं हुआ है ना, दिक्कत हो जाएगा तो फिर क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ना, वही पढ़े अपन कि वर्कमैन इसके में हो सकता है उसको, ठीक है। और फिर इडल नर्व और मिडल नर्व में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद रिस्ट डिस्टर्ब हो सकता है और आपका फिंगर आपका क्या बोलते हैं पॉइंटिंग इंडेक्स हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं आपके रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा आपका कि आपको पूरे जो है एक्सरे देखोगे आपको, तो आपको सारे वो दिख जाएगा कि कहीं वो डिस्टल तो नहीं हुआ है ना, डिस्टल शिफ्ट हुआ, प्रॉक्सिमल शिफ्ट है ना, प्रॉक्सिमल टिल्ट है ना, मिडल शिफ्ट, ये आपको दिख जाएगा। एक होता है एपी व्यू, एक होता है लैटरल व्यू। एपी व्यू में देखेंगे अपन तो एपी में क्या देखेंगे आपको, वही सब दिखेगा, प्रॉक्सिमल शिफ्ट, मिडल शिफ्ट है ना, लैटरल शिफ्ट। और लैटरल में क्या देखेगा अपन को कि जो पोस्टर शिफ्ट हुआ हुआ है वो अच्छे से, और जो रोटेट हुआ है वो अच्छे दिखेगा आपको एल्बो में, ठीक है, डिस्टल फ्रैगमेंट का। ट्रीटमेंट क्या है, देखते डिपेंड करता है, अगर अनडिस्प्लेस्ड है कि डिस्प्लेस्ड है, अनडिस्प्लेस्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको सिंपली आप क्या करोगे, एक ट्रैक्शन पे पीओपी लगा दोगे, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। डिस्प्लेस्ड है फिर तो आप क्लोज में क्या करोगे, क्लोज रिडक्शन करोगे उस फ्रैक्चर का, और उसमें आप के वायर लगा दोगे तो वो क्या करेगा, उसको स्टेबल रखेगा और वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, बाद फिर उसको मोबिलाइज करा दोगे। और अगर क्लोज करने के बाद ठीक नहीं हो रहा है, वापस अगर फ्रैक्चर हो गया है तो हम फिर ओपन करेंगे, ओपन विथ के वायर फिक्सेशन, ठीक है, ये हो गया। और फिर उसके अपन आते हैं नीचे, हाँ ओपन हो गया, ये आपका हो गया। तो इसमें क्या है कि इसमें आपका रेडियल पल्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो पढ़े अपन पैराग्राफ, ये फ्लोचार्ट, ये रेडियल प्रेजेंट था। अगर रेडियल पल्स एबसेंट है तब क्या होगा, एबसेंट पल्स में क्या होगा, सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर हुआ, रेडियल पल्स एबसेंट हो गया है, तो अपन सीधा क्या करेंगे, इमीडिएटली अपन क्या करेंगे, क्लोज रिडक्शन कराएंगे अपन, ठीक है। पल्स रिटर्न आया एक घंटे के बाद, अगर पल्स रिटर्न आ गया फिर स्लैब मेंटेन करेंगे 48 आवर के लिए, और फिर उसको प्रॉपर रिडक्शन करेंगे और ट्रीट करेंगे अदर सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर के टाइप, ठीक है। देखते अपन कि पल्स वापस आया कि नहीं आया, अगर पल्स नहीं आया, पल्स नहीं आएगा तो अपन देखेंगे कि कैपिलरी जो सर्कुलेशन है वो गुड है कि बैड है। अगर गुड है तो अपन स्लैब को रखेंगे और सुपरवाइज करेंगे, क्लोज सुपरवाइज करेंगे। अगर कुछ टाइम के बाद सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ तो अपन कैरी करेंगे,
ठीक है, जो ए में किए थे, अगर और ख़राब हुआ तो अपन फिर बी में जाएंगे। बी में क्या होगा, अगर ख़राब होता है तो अपन फिर क्या करेंगे, वैसे उसको एक्सप्लोर करेंगे और इंटरली फिक्स करेंगे फ्रैक्चर को, ठीक है, देखिए ऊपर रिडक्शन करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। ये तो हो गया आपका अगर पल्स एबसेंट है तो। अब आता है इसके, आपका ट्रीटमेंट हो गया, और आता है कॉम्प्लिकेशन, क्या है, तीन कॉम्प्लिकेशन है, आपका इमीडिएट होगा, एक अर्ली होगा, एक लेट होगा। इमीडिएट पे क्या हो सकता है, इमीडिएट पे आपको वही है ब्रेकल आर्टरी है, ब्रेकल आर्टरी में आपको कुछ स्किन हो सकता है, आपका जहाँ नर्व है, मेजर नर्व है, मीडियल नर्व, रेडियल नर्व, वहाँ पे कुछ दिक्कत हो सकता है। और फिर आते हैं अपन अर्ली में आएंगे तो आपको वोल्पर स्किन दिखेगा, जो क्या है ब्रेकल आर्टरी का स्किन होगी, जिसके कारण आपका फोरम जो है, मसल का फोरम है, वो पूरा जो फ्रैक्चर का जो फोरम है वो आपका पूरा एट्रोफी हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा वोल्कमैन का इसमें हो गया। और फिर उसके बाद सीधा अपन नीचे आते हैं अपन, और फिर लेट में क्या होगा, मालूम मालूम मतलब क्या है कि जो डिस्टल फ्रैगमेंट है उससे फ्रैक्चर क्या है यूनाइट कर दिया, जिसके कारण क्या होगा, आपको गन स्ट्रोक डिफॉर्मिटी दिखेगा, जिसमें होता क्या है कि आपका जो एल्बो है वो काफ़ी हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है, आपको फ्रैक्चर करने में दिक्कत होता है, ठीक है। देखो मेरे ट्रीटमेंट से कुछ है ही ज़्यादा, ट्रीटमेंट में क्या है कि आप उसको जो ठीक करना, अगर ये मेन कॉस्मेटिक है आपको तो अच्छा दिखता नहीं है, अगर कोई दिक्कत फंक्शनल डिफॉर्मिटी नहीं होता ये, तो आपको कुछ भी करोगे तो भी आपको ज़िंदगी चल जाएगा। अगर आपको लगा कि नहीं मेरे को ख़राब दिख रहा है, मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे इसमें अपन कि बस क्या करेंगे, बस इसमें वापस से ऑस्टोमी कराएंगे और उसको वापस जो अलाइन था उसको तोड़ के वापस डिस्प्लेस करा देंगे उसको, ठीक है। ये हो गया, और उसके बाद आगे अपन लास्ट क्या है, ये तो मालवियन का हो गया है ना, गर्ल स्टॉक का हो गया, और आते अपन हाँ दूसरा था मायोसाइटिस और सिलिकेंस। ये क्या था कि एक नया बोन फंक्शन हो जाता है, नया बोन फंक्शन होने के कारण होता क्या है कि वहाँ स्टिफनेस आ जाता है, स्टिफनेस होने के कारण वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं दिखता अपन को, है ना, स्टेबिलिटी एबसेंट रहता है उसका, इंस्टेबल हो जाता है एल्बो जॉइंट। तो हम फिर क्या करेंगे अपन किट में क्या करेंगे अपन सिंपल से क्या करेंगे उसको अपन पैसिवली उसको मोबिलाइज करेंगे अपन, है ना, और अगर ज़्यादा उसका लेट केस हो गया है तो सिंपली जो बोन है एक्स्ट्रा बोन है उसको एक्सरसाइज कर देंगे। और लास्ट में क्या आपका है वोल्पर इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर, इसमें क्या होता है, ये एक सीक्वल है आपके वोल्पर इस्कीमा का, ठीक है। इसमें होता क्या है कि उसका पूरा जो फोरआर्म का है, जो फ्रैक्चर है, वो उसका एट्रोफी हो गया है। एट्रोफी होने के कारण क्या होता है कि वो रिप्लेस हो जाता है फाइब्रस टिश्यू के कारण, जिसके कारण वो क्या होता है कॉन्टैक्ट होता है। कॉन्टैक्ट कहाँ होगा, आपके रिस्ट पे होगा, आपके पूरे फिंगर्स पे होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपका फ्लैश हो जाएगा आपका फिंगर्स और रिस्ट। अब इस पर एक वॉल पर साइन दिखता है, साइन क्या दिखता है, अगर आप फिंगर्स को एक्सटेंड कर दोगे तो रिस्ट फ्लैश हो जाएगा, अगर रिस्ट को एक्सटेंड करोगे तो फिंगर फ्लैश हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा उसका, ठीक है। जिससे आप क्या क्लिनिकली उसको पता कर सकते हो कि वॉल पर इसमें इंकॉन्टेचर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका अपन फीचर्स पर देखेंगे तो वही है, अगर वॉल पर साइन जो है वो दिखेगा आपको। और फिर इसके अपन नीचे आएंगे ट्रीटमेंट में, तो माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है और सीवियर हो सकता है। माइल्ड में क्या है कि आप उसको सिंपली पैसिव स्ट्रेचिंग कराओगे तो वॉल प्रेस स्टेंट के नाम पे तो ठीक हो जाएगा। मॉडरेट में क्या है कि आप सिंपल इसको सॉफ्ट बोन जो है आपका टिश्यू है उसको स्लाइडिंग कराओगे, ऑपरेशन कराओगे, ठीक हो जाएगा। और सीवियर है तो आप सीधा क्या करोगे, बोन को एक्सरसाइज करोगे और फोर आर्म के जो है उसको फ्रैक्चर को शॉर्टनिंग कर दोगे, ठीक है। ये हो गया आपका, सो ये चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे अपन, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, इंजरी ऑफ फोरआर्म एंड रिस्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर पर देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन, ठीक है। थैंक यू।